हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम कौशिक, योर मैथ्स मेंटर, एंड करंटली वी आर डीलिंग विद इनइक्वालिटीज। और पिछली क्लास में हमने आपको एक टूल दिया था, दैट वाज वेवी कर्व मेथड, जो हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है इनइक्वालिटीज को डील करने में, उनको सॉल्व करने में, ठीक है। बट अब ये नहीं है कि हमारे पास टूल आ गया तो हमने सब कुछ सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें एक गन दे देता हूँ, एक मैवरिक तुम्हारे हाथ में मैं थमा देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे विलन्स को या फिर सारे ऑल द बैड गाइस को तुम किल कर सकते हो। डेफिनेटली सबसे पहला काम है तो तुम्हें तो वो मैवरिक चलानी आनी चाहिए। पता चला कि सामने कोई आया है और तुम्हारे से वो लॉक ही नहीं ओपन हुआ है, ओके। सो मैवरिक चलानी सीख लेते हो तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हारी जो शूटिंग स्किल्स है वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए, तुम्हारा निशाना अच्छा होना चाहिए। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। अब हमने आपको एक टूल दे दिया, वेवी कर्व मेथड, ठीक है, जो अपने हेल्प कर सकता है। बट पहले तो हमें उसको अप्लाई करना सीखना है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब अप्लाई करना सीख लिया तो अब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ताकि वो हम जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और एक करेक्शन के साथ या फिर कह लो कि परफेक्शन के साथ अप्लाई करें, ताकि हमारा आंसर कहीं भी गलत ना हो जाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट We are going to do now। हम अपने इस स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और क्या करेंगे, कैसे करेंगे, डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद ए सिंपल प्रॉब्लम फ्रॉम दिस इनइक्वालिटीज और उसके आगे देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको जस्ट अपने रूल को अप्लाई करके बताना है। दैट इज वेवी कर्व मेथड। इट सेज एक्स माइनस वन थ्री माइनस एक्स and I have this x minus 2 whole square, I need this to be greater than 0, okay? So, यहाँ पे हमने देखा, अगर मैं वेवी कर्व की बात कर रहा हूं तो फैक्टर बनाने थे, ओके, फैक्टर सारे बने हो ऑलरेडी। हाँ, सेकेंड स्टेप क्या था कि x के कोफिशियंट को पॉजिटिव करना है, बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस वाले फैक्टर में x का कोफिशियंट क्या है, नेगेटिव है। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, एक माइनस वन से मल्टीफाई कर दूं, ठीक है। तो वही करते हैं, यहाँ पे मेरे पास है x माइनस वन, यहाँ पे एक माइनस वन जो कि मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। और ये है मेरे पास x माइनस टू का होल स्क्वायर, क्लियर। और ये आपका हो गया ग्रेटर देन। चलो, अब क्या करा, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, तो ऑब्वियसली जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना छोटी सी। अब ये हो चुका है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास ये बन गया x माइनस वन, ये माइनस माइनस, ये बन गया आपका x माइनस थ्री, और ये बन गया x माइनस टू का होल स्क्वायर। इनइक्वालिटी बदल गई, अब आ गया लेस देन जीरो पे, ठीक। चलो, अब क्या करना है आपको, सिंपल है, अपने इन जीरोस को प्लॉट करना है। हमारे पास जो जीरोस दिख रहे हैं वो है वन टू और ये थ्री। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात किया था, मुझे यहाँ पे साइन चेक करना होता है किसी भी जगह पे, किसी भी जगह पे साइन चेक करना। बट क्योंकि सबसे आसान जो क्लियरली नजर आता है कि सबसे राइट में पॉजिटिव मिलता है, तो यहां से शुरू करेंगे। अब यहां से पॉजिटिव शुरू किया तो मैं यहां पे आ गया। अब थ्री वाले फैक्टर की, ये जो थ्री पे पहुंचा तो इसके फैक्टर की पावर देखनी कितनी है, वन, तो साइन बदल दो, पॉजिटिव से नेगेटिव बदल दिया मैंने। अब टू वाले फैक्टर की पावर कितनी है, टू, तो ऑब्वियसली साइन रिटेन करेंगे, नहीं बदलेंगे, ऑड पावर पे बदलेंगे, इवन पावर पे रिटेन कर लेंगे। सो माइनस है, माइनस ही रहा। अब वापस वन वाले फैक्टर की पावर भी वन है तो वापस से साइन बदल, ठीक है। तो ये तो बन गया इसका साइन कर्व। अब ये पॉइंट्स का ध्यान रख लेते हैं, ये वन टू थ्री पे मुझे क्या मिल रहा है, जीरो। तो जीरो तो हमें चाहिए नहीं, हमें इक्वलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इक्वल टू जीरो नहीं है तो ये सारे पॉइंट आपके क्या आएंगे, ओपन में, यानी कि ये मेरे आंसर में नहीं आने वाले, ठीक है। अब ओवरऑल मेरे को क्या चाहिए, ये एक्सप्रेशन लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव मेरे को कहां मिल रहा है, ये यहां पे नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। ठीक, तो यहां तक हमने वेवी कर्व अप्लाई कर लिया। अब वेवी कर्व ने ये तो सिखाया, पर वेवी कर्व ने अब ये जो लास्ट स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब आंसर है क्या, देखो ध्यान से, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है वो सारे के सारे एक्स की वैल्यूज या फिर वो सारे के सारे नंबर्स जो वन और टू के बीच में है और टू और थ्री के बीच में है। हालांकि ये कॉन्टिन्यूस आपको वन से थ्री नजर आ रहा है, बट वन से थ्री अगर देखता हूं तो बीच में टू को काउंट नहीं करना, तो आपके पास दो ऑप्शन है इसको एक्सप्रेस करने के, क्योंकि वन और टू नहीं है तो जब एंड पॉइंट्स नहीं आते तो ब्रैकेट कौन से आती है, नॉर्मल ब्रैकेट, यानी कि ओपन इंटरवल। तो या तो आप एक करो कि वन कॉमा टू, फिर टू कॉमा थ्री को एड करने के लिए यूनियन का ऑपरेटर करेंगे, टू कॉमा थ्री, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया,
जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी शायद एक एग्जांपल में बताया था कि एक और मैं तरीका ये कर सकता हूं कि ऐसे लिख सकता हूं कि x फ्रॉम 1 to 3 x एक से 3 तक है, बस बीच में एक पॉइंट नहीं है, कौन सा 2, तो इसको ऐसे लिख दो माइनस और कर्ली ब्रैकेट 2। जब कोई डिस्क्रीट वैल्यू, समझ लो एक होता है कॉन्टिन्यूस सेट ऑफ वैल्यूज, वो ये क्या है, एक से तीन मतलब एक से तीन तक जितनी भी वैल्यूज है सारी इन्फिनिट वैल्यूज, बट और इनको ऐसे ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल्स में। जब कोई डिस्क्रीट वैल्यूज होती है 1, 2, 3 यानी कि एक आधा नंबर ही है, तो उनके लिए सेट्स का यानी कि कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब ये कर्ली ब्रैकेट 2 मतलब कि सिर्फ एक वैल्यू 2 की बात कर रहा है ये, तो ये मुझे नहीं चाहिए इसमें से, इसलिए माइनस कर रहा हूं इसको, ठीक है। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना आपने, इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अप्लाई करा, ध्यान रखा कि नेगेटिव था कोफिशियंट तो पॉजिटिव करा, इनइक्वालिटी बदली, फिर एक तो ये एंड पॉइंट्स इक्वालिटी को देख के आएंगे कि ये पॉइंट आएंगे कि नहीं आएंगे, दूसरा उसके बाद फिर नेगेटिव या पॉजिटिव पूछे तो फिर वो साइन कर्व यानी कि ये वीवी कर्व आपको बता ही रहे, ठीक है। ओके सो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल एंड ओके, ये हमारे पास सिंपल सी प्रॉब्लम है, वी हैव 3 upon x minus 2 less than 1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, x माइनस टू से, और ये क्या है पता नहीं, इसकी x तो वेरिएबल है, तो x माइनस टू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मुझे नहीं पता, और इनइक्वालिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने पर बदल जाती है, पॉजिटिव पे नहीं बदलती, नेगेटिव पे बदल जाती है, तो बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव होना मैटर करता है, तो मुझे नहीं पता इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। दूसरा मेरा बताया था या तो केस बना के चलो, तो उन केसेस को अवॉइड करने के लिए मैं करूंगा ही नहीं कुछ, मैं सिर्फ इस मान को उधर लेके आता हूं या फिर इसको उधर लेके चला जाता हूं, एक ही मान है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए मैं अगर इस मान को उधर लेके आता हूं तो 3 upon x minus 2 minus 1 ये आ गया less than 0। आई होप कि ये स्टेप आपको क्लियर है। एक्चुअली मैंने क्या करा, दोनों साइड माइनस वन कर दिया, इधर माइनस वन कर दिया और इधर 1 minus 1 0 हो गया, ठीक है। सो अब देखो एलसीएम लेता हूं तो ये कितना बनेगा, 3 minus ex minus minus plus 2, ठीक है बेटा। ये प्लीज ना अपनी या ये मतलब विद एक्सपीरियंस में ये चीजें बोल रहा हूं, मैं क्लियर से कि हमें कुछ नहीं आता, ठीक है, हम बहुत ही डम है, हमें कुछ नहीं आता, हमारे लिए सब कुछ नया है, बट टेंथ तक हमने कम से कम इतना तो सीखा है कि एलसीएम लेते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो वो जो छोटी छोटी एल्जेब्रिकल मिस्टेक्स है ना, प्लीज उनको अवॉइड करना, मेरे लिए और कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप सीख रहे हो सब कुछ, बट कुछ बच्चे उनमें छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, तो वो फिर यू नो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग कह लो कि डिस्टर्बिंग सा होता है कि यार ये चीज तो फिर मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि आगे जैसे अभी तो मैं स्लो कर रहा हूं, आगे आगे बढ़ूंगा तो मुझे भी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और आपको भी डेफिनेटली खुद की भी स्पीड बढ़ानी है, तो वो एल्जेब्रिकल जो मिस्टेक्स है उनसे बच के चलना। ताकि यहां से मैं एलसीएम ले रहा हूं तो बड़े केयरफुली कि एलसीएम लूंगा तो ये एक्स माइनस टू पे ब्रैकेट आएगी, क्या आएगी ब्रैकेट आएगी, तो ये कितना आ जाएगा नीचे x माइनस टू और ये लेस देन जीरो। गलती क्या हो सकती थी मैं वो बता देता हूं, चलो यहां पे बच्चे क्या करते हैं, यहां पे ये एलसीएम लिया तो 3 minus x minus 2 कर दिया, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअल में ब्रैकेट आनी थी यहां पे, अब ये 3 minus 2 तो बाहर आ रहा है बट ये गलत है, ठीक है। सो ये चीज गलती नहीं, यहां पे ब्रैकेट लगाना मत भूलो, ठीक है। अब क्या आ गया ऊपर से, ये 3 minus x और माइनस माइनस प्लस टू, तो बेसिकली कितना है 5 minus x, डिनोमिनेटर में मेरे पास है x minus 2 less than 0, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे x का क्वेश्चन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। देखो ध्यान से जल्दी जल्दी करूंगा, माइनस यहाँ पे मैं पढ़े आराम से करके बता रहा, माइनस वन से मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए इसको पॉजिटिव बनाना है, और क्योंकि माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनइक्वालिटी को बदल देना है, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसको साइन को माइनस चेंज कर देता हूँ, बेसिकली x minus 5 कर दिया, नीचे x minus 2 है और इनइक्वालिटी बदल दी, क्लियर। आपको पता है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो हो गया तो अपना काम, तो अब तो खत्म होने वाला है ये क्वेश्चन। तो ये आ गया 2, ये आ गया 5, ये वेवी कर्व यहां पे मुझे पता है पॉजिटिव है, दोनों की जो फैक्टर्स हैं इनकी पावर क्या है, 1 1 यानी कि ऑड, तो साइन घुमा दो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव,
अब टू और फाइव का क्या करना है, इक्वल टू, एक तो इक्वल टू है ही नहीं, ठीक है, तो अगर है नहीं तो फिर तो इनको डायरेक्टली ओपन कर दो। अगर होता भी तो डिनोमिनेटर वाला कभी भी आंसर में नहीं आता, आपके हमें बताया था, क्योंकि टू पे तो ये इन्फिनिटी बन रहा है, नॉट डिफाइंड, क्लियर। सो बस हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो कहां पे है, पॉजिटिव, ये यहां पे मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से, और ये कहां तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। तो बेसिकली आपका फाइनल आंसर देखो एक्स क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन फाइव टू इन्फिनिटी। ओके, तो आई होप कि आपने अच्छे से फॉलो किया होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज, इट सेज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, आई नीड दिस टू बी लेस देन जीरो। ओके, सो देखो ध्यान से क्या है यहां पे, बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। सो न्यूमरेटर में फैक्टर बनाना कितना बन रहा है, आप इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ये काम अब आपने बहुत ज्यादा करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बहुत ज्यादा आएगी, तो इसके फैक्टर पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, फैक्टराइज करने की आपको कर लेनी चाहिए। सो एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस वन, नीचे है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्लियरली फैक्टर तो नहीं बन रहे हैं। और आप एक चीज को देखो कि एक तो एक्स का स्क्वायर है ऊपर से प्लस वन, तो ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स जो मर्जी हो इसने तो हमेशा पॉजिटिव होना है, ठीक है। सो अब मैंने एक चीज बोली थी कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, पर यहां पे, और वो क्यों नहीं करनी है, क्योंकि जो एक्स वेरिएबल होने के चलते जिससे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मुझे जैसे पिछले क्वेश्चन में देख रहा एक्स माइनस टू, मुझे नहीं पता कि वो पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा, ऑब्वियसली पता है, पर ओवरऑल आंसर में अब क्या आने वाला है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। पर यहां पे मुझे पता है अब मेरा आंसर क्या आने वाला है, जो मर्जी आए एक्स, एक्स क्यू प्लस वन तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, तो क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है तो फिर कर दो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इनइक्वालिटी को रिटेन कर लो, क्योंकि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी तो नहीं बदलती है, ठीक है। तो बस फिर आप इसको हटा दो यहां से, या फिर कह लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर बेसिक प्रोसेस क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, कि एक्स स्क्वायर प्लस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो ये एक्स प्लस थ्री, ये एक्स माइनस वन, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय जीरो, ठीक है, यही हम बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि दोनों साइड एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई करूं, यहां पर यह कट गया और यहां पे वापस जीरो हो गया, और मैंने इनइक्वालिटी नहीं बदली। अब क्यों नहीं बदली, क्योंकि मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन हमेशा पॉजिटिव, तो खत्म क्वेश्चन। अब ऐसा कर लेते, ये तो आपका हट गया, तो ये बन गया एक्स प्लस थ्री और ये एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। डिनोमिनेटर में आप फैक्टर करो जल्दी से इसके, एक तो ये माइनस थ्री वन, आई थिंक अब तो समझ में आएगा अगर फैक्टर दोनों की पावर वन वन है, तो ये आपका वेरी गर्व ऐसा बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो फिर ये वन आपका आंसर नहीं है, माइनस थ्री भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि माइनस थ्री और वन पे तो ये जीरो हो रहा है, हमें तो इक्वल टू जीरो नहीं बोला, हमें स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो बोला, लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि ये बीच में, तो फाइनल आपका आंसर बन गया एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू वन, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में सीखने वाली चीज क्या थी उस पर ध्यान दो, कि यहां पे जब डिनोमिनेटर में एक चीज रखी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हटा दो इसको बिना किसी टेंशन लिए, ठीक है। अब ये हमेशा भी नहीं करना है, कब करना है कब नहीं करना, यही आपको सीखना है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आई हैव एक्स की पावर फोर माइनस माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर लेस देन जीरो, ठीक है।
सो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने बस एक बाई क्वाड्रेटिक आ गया है और जो कि बहुत सिंपल है, कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक, आप एक्स स्क्वायर को टी मान सकते हो। तो एक्स स्क्वायर को मैं टी मानता हूं तो मेरे को क्या मिल जाता है, टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस फोर लेस देन जीरो, सिंपल से फैक्टर बन गया आपके, दैट इज की टी माइनस वन टी माइनस फोर लेस देन जीरो। वापिस टी को ले आओ, टी क्या था अपना एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन जीरो। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका क्या बना एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। ठीक है, सिंपल था। अब इसको लिखो, ये फैक्टर आपके माइनस टू माइनस वन वन और टू। चलिए अब सबकी पावर क्या है, ऑड है, सारे क्वेश्चन पॉजिटिव है, देख लो चेक कर लो। यहां पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा तो सबकी पावर वन है, तो फिर साइन वेवी कर्व बना दिया हमने। क्यों, क्योंकि सबकी पावर वन थी, ऑड थी, तो साइन बदलते गया हमें, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब इन पॉइंट्स का क्या करना है, ऑब्वियसली इक्वल टू नहीं है तो सारे पॉइंट्स आपके नहीं आएंगे, यानी कि आंसर आपका आएगा ओपन। फाइनली हमें पूछा गया ये लास्ट स्टेप जो है लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कहां का है, एक तो यहां पे दूसरा यहां पे। सो आंसर मेरा एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू माइनस वन यूनियन वन टू टू। ठीक, सो अनदर सिंपल एग्जाम्पल, बट हर एक में कुछ ना कुछ सीखने वाला हमारे पास है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये देखो ध्यान से, 0.5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। ठीक है, ओके, सो देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले जो मुझे नजर आ रहा है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, ये नेगेटिव है, अगर फैक्टर बनाऊंगा तो एक्स के साथ माइनस लगा होगा, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं। अच्छा, इसका क्या करूं, सबसे पहले 0.5 वन बाय टू पॉजिटिव नंबर है तो इसको तो हटा दो, मतलब बेसिकली कह लो कि ये 1 बाय टू है तो 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके इसको हटा दो, और 2 पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी को भी रिटेन कर लेते हैं। चलो एक साथ मैं दोनों काम करूंगा, एक तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और एक माइनस वन से, किससे माइनस वन से, और ये कितना था आपका 1 बाय टू था। देखो इधर एक माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ये है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि 2 और माइनस वन ये पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरऑल बेसिकली मैं माइनस टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो क्योंकि माइनस टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी बदल दो। देखो एक्स्ट्रा क्या मैंने ऐड करा, एक तो ये 2 से मल्टीप्लाई करा, एक तो माइनस वन से, बेसिकली माइनस टू से मल्टीप्लाई करा, और जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर इनइक्वालिटी मुझे बदलनी पड़ेगी। अब इनइक्वालिटी बदली और अब देखो क्या फर्क पड़ा, 2 वन बाय टू ये हट गया मेरा डिनोमिनेटर में, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन, और ये जीरो ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, इसके फैक्टर ना है तो बनाओ इसके फैक्टर जल्दी से, क्या बन रहे हैं, चलो टेक योर टाइम और फैक्टर बना के बताओ। पॉज करो थोड़ा सा वीडियो को, इसके फैक्टर बनाओ बेटा प्लीज, इफ आई एम आस्किंग समथिंग तो कर दो।
तो मैं फंस गया, मैं ठहरा थोड़ा डम टाइप का, या फिर कह लो कि भाई मुझे नहीं बन रहे फैक्टर, मुझसे फैक्टर नहीं बन रहे। देखो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम सारा कुछ बड़े अच्छे से जानते हो। बहुत सारे बच्चे तुम लोगों में अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो कईयों ने देखते ही बता दिया सर जी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है। आई होप कि डिस्क्रिमिनेंट तुम्हें याद होगा क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है। तो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो फैक्टर नहीं बन सकते, नहीं बन सकते ना, याद है सबको? चलो नहीं याद तो अब याद आ गया कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, फैक्टर तो नहीं बनेंगे। अब हमने क्या सीखा है, हमने तो x माइनस टू को देखना सीखा है कि x माइनस टू पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। अगर मैं x माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वन कर दूं तो दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव देख के मैं बता सकता हूं। देखो मैं चलो बोल रहा हूं लिख के बता दूं, अगर मैं आपसे पूछता कि x माइनस टू पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, टू के आगे पॉजिटिव और टू के पीछे नेगेटिव। अगर मैं आपसे पूछता x माइनस वन पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, तो आप कह देते कि वन के आगे पॉजिटिव, वन के पीछे नेगेटिव। अगर आपसे पूछता कि ये पूरा पॉजिटिव नेगेटिव कब है, तो क्या करते हैं आप, दोनों को देखते, बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो दोनों को एक साथ देखते कि टू के आगे ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वन के पीछे दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वन और टू के बीच में देखता हूं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया बेसिकली। अगर तो ऐसे हुआ होता तो मैं बता देता, बट अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसके फैक्टर तो बन ही नहीं रहे, तो अब क्या करो, अब क्या करो, अब देखो ध्यान से, अब कुछ नया है यहां पे सीखने वाला, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, अब जनरल से इसको नोट कर लो बेटा, और ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं बोल नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप इस पे स्टार लगा लो जितने लगा सकते हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस होल क्लास 11। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तभी पढ़ाएंगे, बट अभी से हम बता देते हैं कि ये क्या पॉइंट है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो मैं जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे बात करूंगा, ठीक है। सो जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, और एक तो इसके फैक्टर बनाए हैं, डिस्क्रिमिनेंट देखा है, रिलेशन विद रूट्स देखा है, काफी कुछ देखा है, मोर ओवर आपने इसका ग्राफ भी बनाया हुआ है, बनाया ना ग्राफ, शाबाश। चलो तो थोड़ा सा ग्राफिकल काम भी आज हम अभी हम करने वाले हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि मैं कहां पे आके फंस गया हूं कि जब फैक्टर नहीं बन रहे हैं, और फैक्टर कब नहीं बन रहे हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव हो गया है। अगर तो ये होता पॉजिटिव तो ऑब्वियसली ये फैक्टर बन जाते, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो फिर मतलब दो फैक्टर बन जाते, जैसे एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन बना तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट अब ये हो गया नेगेटिव, फैक्टर नहीं बन रहे, तो अब इसका क्या हो सकता है, अब आपके पास दो केस बनते हैं, ठीक है। ये इसका जो जैसे ही बेटा तुमने देखना कि डी नेगेटिव, जैसे तुमने डी को नेगेटिव को देखना है, फिर उठते तुमने ए को देखना है, उसके बाद ए को देखना है, तो ए या तो क्या होगा पॉजिटिव, ऑब्वियसली ए का साइन देखना है, और दूसरा केस कि ए है नेगेटिव, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव। अब इस केस में क्या होगा, जब बी नेगेटिव था और ए पॉजिटिव था, इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो वाई है, ये जो वाई है यानी कि ये एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इट विल बी, याद रखना क्या कंडीशन है, डी नेगेटिव ए पॉजिटिव, तो इस कंडीशन के साथ This expression will always be positive. Always be greater than zero or always be positive. ठीक है, दूसरा केस ये, और इस केस के साथ
दिस एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव हर एक x के लिए, अब x कुछ मर्जी हो ये हमेशा नेगेटिव होगा, दिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव। बस इस इंपॉर्टेंट चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके पीछे जो ज्यादा जो एक्सप्लेनेटरी पार्ट है आपको बोल रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, ये कहां से आया, क्यों आया, ठीक है। एक तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, मतलब मैं अगर क्वाड्रेंट के ग्राफ की बात करूं या फिर बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। इसको दोबारा एक बार हम डिस्कस करेंगे कब, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे, वहां पे हम इसके ना स्पेसिफिकली जो इस एक्सप्रेशन के ग्राफ के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फॉर द टाइम हम इस इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में ना अगर ये दो कंडीशन तुम याद रख लो तो तुम्हारा काम खत्म हो जाता है कि एक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब उसका डी नेगेटिव हो गया मतलब अब मेरे पास फैक्टर तो बन नहीं रहे हैं तो अब मैं साइन कैसे चेक करूं। अब दो केस होंगे, अगर डी नेगेटिव है तो या तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये कंडीशन है डी नेगेटिव ए पॉजिटिव मतलब वाई हमेशा पॉजिटिव, डी नेगेटिव ए नेगेटिव मतलब वाई हमेशा नेगेटिव। क्लियर, शाबाश। अगर तुमने इस चीज को फॉलो कर लिया है और इस चीज को अच्छे से रट्टा मार लो, अगर कुछ एक्सप्लेनेशन में कमी रह गई है तो क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में हम दूर करेंगे, डेफिनेटली दूर करेंगे, इस चीज की टेंशन मत लो। इसके ग्राफ पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, ग्राफ में मैं वो सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, प्लीज थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखो, ठीक है। सो ये कंडीशन पे याद रखना, अब इस पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे सामने क्या था कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, मुझे इसके बनाते थे फैक्टर, जैसे ही मैं देखता हूं फैक्टर बनाने के चक्कर में मेरा डी मिल गया क्या नेगेटिव। अब डी नेगेटिव मिल गया तो वैसे मैंने ए चेक करना, ए यानी कि क्या, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए यानी कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है वन, यहां पे ये वन है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पे ए क्या है पॉजिटिव है। तो ये दोनों कंडीशन मिला के मुझे ये बताती है कि ये जो एक्सप्रेशन है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, ऊपर तो रखा हुआ वन वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो वन भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फिर ये ओवरऑल क्या हो गया पॉजिटिव। अब हमसे पूछा गया कि ये ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव कब है, कब है पॉजिटिव, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हर एक एक्स के लिए, हर एक एक्स के लिए मतलब अब आंसर है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कोई मर्जी एक्स रख लो आपका ये हमेशा पॉजिटिव है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। दोनों एक ही बात है कि या तो आप बोलोगे x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हर एक x के लिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही पूछा था तुमसे, या फिर x बिलोंग्स टू ऑल रियल, ये तो बस आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बाकी ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, d नेगेटिव हो गया तो a पे चले जाना, a पॉजिटिव तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव, a नेगेटिव तो एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव। ओके, तो आई होप कि आपने इस चीज को फॉलो करा, और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको ध्यान से नोट कर लो, अच्छे से याद कर लो, क्लियर। चलो आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, धीरे धीरे हम अपने मैवरिक को चलाना सीखते जा रहे हैं। हमारे पास जो एक गन मिली है, हमारा एक बहुत पावरफुल गन है ये मैवरिक, बहुत सारे लोगों ने पबजी में देखी होगी मैवरिक, है ना, मैंने भी बहुत मैवरिक का यूज किया बट पबजी में नहीं, काउंटर स्ट्राइक में, काउंटर स्ट्राइक एक गेम आती है, किस किसने खेली है, चलो नहीं खेली होगी बट मैंने बहुत खेली कॉलेज में, और मैवरिक मेरी फेवरेट गन थी वहां पे काउंटर स्ट्राइक में, आई यूज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऑफ माई टीम, सो उस पर हम बाद में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल के लिए वी हैव दिस गन एंड वॉट वी आर लुकिंग फॉर और वॉट वी वॉन्ट इज हम इसको अच्छे से चलाना सीख रहे हैं फिलहाल, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने क्वेश्चन होंगे, चार हो गए, जितने भी हुए चलो, ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फाइव है मेरे पास, ठीक है। प्रैक्टिस में ये भी बहुत कुछ होता है, बेसिक कंसेप्ट में आता है, और ये जो चीज थी ये नई थी, ये आपने नोट डाउन कर लेनी है, क्लियर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज,
चलो कोई भी ले लेते हैं इनमें से, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके ये ले रहा हूं मैं, ठीक है ध्यान देना। दिस इज 5x-3 डिवाइडेड बाय x² + 3। ओके ऊपर 5x-1 है, नीचे x² + 3 <x²+3> 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 less than 1, ठीक है। सो एकदम नंबर की गलती से ना वो आंसर कुछ अजीब अजीब हो जाते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो क्वेश्चन को देखो, 5x-1 / x²+3 <x²+3> ये मुझे 1 से छोटा चाहिए। हमने आपको एक रूल बताया था कि अगर ऐसा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, बेसिक चीज क्या कहते हैं कि 1 को इधर लेके आओ। बट वो भी हमने ये भी देखा था कि हमने ऐसा क्यों बोला था, हमने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि मुझे जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं मुझे उसका पता नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव, और इक्वेशन पे फर्क पड़ जाता है अगर पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो तो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी बदलनी होती है। बट अब ध्यान से देखो एक बार फिर से, ये क्या रखा हुआ डिनोमिनेटर में, इसको इधर ही तो लेके जाना है, इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो ये है x² + 3, क्लियरली दिख रहा है भैया x² + 3 क्या है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो फिर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो अब सिखाने वाली बात नहीं है, ये तो आप खुद से सीखोगे प्रैक्टिस में, और वही हम कर रहे हैं। तो क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और इनइक्वालिटी को भी रिटेन करूंगा, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पॉजिटिव से। तो यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट था इस क्वेश्चन में कि वो लेके आएंगे तो वो भी हो जाएगा, बट अब यहां पे जो आसान हो रहा है तो वो करो, वो क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x-1 ये इधर आ गया, x² + 3 याद रखना ये इनइक्वालिटी भी नहीं बदली, क्यों नहीं बदली, क्योंकि पॉजिटिव था, ठीक है। चलो शाबाश, अब इसको उधर ले जाओ, ये बच गया 0, ये बच गया x², ये माइनस का देखो राइट उधर जा रहा है, तो ये माइनस का 5x-1 उधर जाके प्लस का आ जाएगा, तो 3+1 = 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो सो ये चीज ग्रेटर देन, ये क्या है, दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0। मैं इनइक्वालिटी को एक बार घुमा के लिख लेता हूं, ठीक है घुमा के लिख रहा हूं, तो इधर तो फैक्टर ही बने हुए आसान से, क्या है x-1 x-4 > 0, ठीक है। आई होप कि ये जो स्टेप है ये आपको क्लियर हो गया, कुछ नहीं करा मैंने, बस इनइक्वालिटी को घुमा के लिख लिया, इसको इधर इसको इधर ले लिया। अब ये क्या है, फैक्टर बन गए 1, ये 4, ये तो अब आपने आसानी से सीख ली है कि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और 1 और 4 का क्या करना है, इस तो इक्वल टू देखना, इक्वल टू है कि नहीं है, नहीं है ना, तो फिर ये आंसर में नहीं आएंगे। ओके हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कहां मिलता है, यहां पे, और दूसरा यहां पे, यहां पे मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से और यहां पे मतलब माइनस प्लस इन्फिनिटी तक। तो फाइनल आपका आंसर बन गया बेटा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, क्लियर। आई होप कि आपने फॉलो करा होगा, नई चीज यहां पे क्या थी कि x² + 1 डिनोमिनेटर में रखा हुआ, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके चलो आगे चलते हैं, और सो ये क्वेश्चन है हमारे पास, लो थोड़ा टाइम लो और देख लो क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली बेसिक चीज क्या कहती है कि ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा था बट हमने कर दी थी, क्यों कर दी थी, क्योंकि डिनोमिनेटर में x² + 1 रखा हुआ था, वो हमेशा क्या था, पॉजिटिव था। यहां पर भी ना ये मैं चाहता हूं कि आपसे खुद से देखो, ये ध्यान से देखो जरा, क्योंकि अब हम ये सीख चुके हैं कि जब डी नेगेटिव होता है ए पॉजिटिव होता है तो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, फिर से इसको ध्यान से देख लो, मैं इसको सेपरेटली कर लेता हूं। मेरे पास है ये x² + x + 1, ये जो एक क्वांटिटी ये एक्सप्रेशन है, वेरिएबल है ऑब्वियसली, बट इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, दिख रहा है साफ, b कितना 1,
बी स्क्वायर वन स्क्वायर माइनस फोर माइनस थ्री नेगेटिव है और डी नेगेटिव है और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है वन, ए पॉजिटिव है। सो ये दोनों चीजें मुझे क्या बताती हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे डी नेगेटिव ए पॉजिटिव मिलता है इसका मतलब कि ये क्या है हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। कब? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल। देखो इससे कंफ्यूजन मत हो जाना, ये बस एक सिंबल है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल मतलब हर एक एक्स के लिए, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूं कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब हर एक एक्स के लिए। लो अब ये थोड़ी मेरी ना हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई है, वही थोड़ा भावनाओं में बह गया। ये हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, हर एक एक्स के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, चलो भावनाओं को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि ये जो रखा हुआ है नीचे ये हमेशा पॉजिटिव है तो फिर क्रॉस में डिवाइड कर देते हैं, यही तो मेरा आसान काम है। अदरवाइज वो करता तो मैं कॉम्प्लिकेशन में चला जाता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं पहुंच जाऊंगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, राइट हैंड साइड पे वन है तो वन एंड दिस यहां। ठीक है, और इनइक्वालिटी भी नहीं चेंज हुई क्योंकि क्योंकि पॉजिटिव था। सो ये एक्स स्क्वायर चढ़ गया। ठीक, और ये आपका उधर चला गया, इसको उधर ले आओ तो मेरा क्या बनता है, ये जीरो, ये लेस देन, ये वन उधर आगे प्लस हो गया एक्स प्लस टू। ठीक है, एक बार दोबारा मैं इनइक्वालिटी को घुमा के लिख लू, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, एक ही फैक्टर है क्या, टू टू है तो टू के आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव, पीछे नेगेटिव, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए तो कब, टू के आगे। टू का क्या करना है, टू को नहीं लेना क्योंकि इक्वल टू नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली नहीं लेना या नहीं लेना आपकी वो ब्रैकेट में चेंज लग के आता है। ठीक है, सो इट बिलियम्स टू एक्स टू टू कहां तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, अच्छा यार एक काम करो, अगर ये इक्वल टू होता, अगर ये इक्वल टू होता, अगर ये इक्वल टू होता, अगर ये इक्वल टू होता तो टू, सॉरी ये टू नहीं था, ये माइनस टू था। ओके, दैट मिस्टेक। ठीक है, सो कोई बात नहीं, ये माइनस टू, बस फर्क क्या है, अब क्योंकि माइनस टू पे ये जीरो हो रहा है ना तो इक्वल टू जीरो तो हमें बोला ही है, इसलिए इसको हम आंसर में लेंगे, यानी कि अब मैं ब्रैकेट ये यूज करूंगा माइनस टू, माइनस टू मेरे आंसर में है एंड पॉइंट, तो ये वाली ब्रैकेट आती है, नहीं है तो फिर ओपन वाली ब्रैकेट आती है, ओपन क्लोज का भी तुम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर, चलो सो काफी हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आई होप कि आप मुझे अच्छे से फॉलो कर रहे हो, मुझे नहीं हम सब इस चीज को फॉलो कर रहे हैं ध्यान से। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लो। ऑलराइट, सो ये कुछ और क्वेश्चंस है हमारे सामने। ठीक है, लेट्स डू वन बाय वन। सबसे पहले सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर लेस देन वन चाहिए मुझे। अब अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे कुछ ऐसा आता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है इन बिग जनरल, बट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी रहे हैं, बस इस चीज को मेक श्योर करके कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या वो हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कर दो, इनइक्वालिटी को भी रिटेन कर लो, अगर नेगेटिव है तो भी कर सकते हैं, हमेशा नेगेटिव की बात कर रहा हूं, हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव अगर मुझे ये चीज ऑलरेडी पता है तो भी कर सकता हूं, बस इनइक्वालिटी बदल देनी नेगेटिव के केस में। यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और एक स्क्वायर क्या होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। हमने बेटे जो प्रीवियस एग्जाम्पल ली उनमें क्या था, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था उसका डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव ए पॉजिटिव का मतलब है हमेशा पॉजिटिव, जीरो भी नहीं। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे अगर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूं तो ये एक्सप्रेशन का जो डी है वो जीरो है, और डी जीरो ही होता है, आपने देखा भी है कि कंप्लीट स्क्वायर तभी बनता है जब डी जीरो होता है। तो बेसिकली चलो उसको छोड़ो, आपको साफ नजर आ रहा है कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो अगर एक्स इक्वल टू वन होता है तो ये हो जाएगा जीरो, और एक्स वन के अलावा कुछ मर्जी है अंदर जो भी बनेगा स्क्वायर उसको पॉजिटिव करने वाला है। ठीक है, सो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, बस एक चीज का ध्यान रखना है
कि x कभी 1 के इक्वल ना हो जाए, x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तो फिर ये हमेशा पॉजिटिव है, तो फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मेरा बन गया x प्लस 1 लेस देन, ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा x प्लस 1 लेस देन, इसको खोलते हैं तो आइए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये 1 कैंसिल करते हैं, इसको उधर लेके जाता हूं तो मेरे पास बचा 0 लेस देन x स्क्वायर माइनस का 3x। क्लियर है, ये x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इनइक्वालिटी को मैं घुमा के लिख लूं, सो घुमा के लिखता हूं तो मेरे पास है x स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन 0, x कॉमन लिया और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब इससे कंफ्यूज मत होना, ये बेसिकली क्या है x माइनस 0, आगे ये 0 और ये 3 भी, तो वेव कर्व हमने जल्दी से ले लिया। क्लियर, 0 और 3 का क्या करना है, ऑब्वियसली इक्वल टू नहीं है तो 0 और 3 आंसर में आपके नहीं आएंगे, और पूछा क्या गया है पॉजिटिव, पूछा क्या गया पॉजिटिव। ओके, सो पॉजिटिव कहां पे है, इधर और इधर। ठीक है, चलो हमारा आंसर क्या आया फाइनली, आई हैव दिस आंसर माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। कुछ मिस ना कर दें, बस ध्यान रखना, और यहां पे हमने ये सॉल्व कर लिया बट इस चीज को भूलना नहीं है, x 1 नहीं हो सकता। अब चेक कर लो आंसर में कहीं 1 तो नहीं आया, अगर आंसर में 1 आ जाता तो मुझे उस 1 को एलिमिनेट करना पड़ता, ये माइनस इनफिनिटी से 0, ये 3 से इनफिनिटी, 1 तो इसमें नहीं है डेफिनेटली, 1 तो यहां पे कहीं है, और वो तो मैं वैसे भी आंसर में नहीं लेके चल रहा, मैं तो आंसर यहां से ले रहा हूं और इधर से ले रहा हूं, सो 1 आंसर में यहां पे आया भी नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं था, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आंसर आपका एकदम सेफ है। क्लियर, सो फाइनल आंसर इज माइनस इनफिनिटी टू 0 3 टू इनफिनिटी। क्लियर, शाबाश, आ जाता तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी, गड़बड़ क्या हो रही थी, बस आपको फाइनल आंसर में उसको निकाल देना था। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस x अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन 1/2, श्योरली यहां पे चेक कर लेते हैं, साफ दिख रहा है कि ये जो फैक्टर है 5 के आगे पॉजिटिव और पीछे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा नेगेटिव तो नहीं है, इधर 2 रखा हुआ था तो 2 तो हमेशा पॉजिटिव है, इसको तो कर सकता था बट इसको मैं नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करता हूं, तो फिर ऑप्शन क्या है, वही इसको इधर लेके आते हैं और फिर आगे करते हैं, तो ये आ गया एक्स अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस हाफ ग्रेटर देन 0, एलसीएम लो ध्यान से, ये आ गया 2x, ये बेटा इस पे ना प्लीज ये ब्रैकेट लगी थी ध्यान रखना जरा, मैं ये क्यों बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है यू नो गलती करते हुए बच्चों को, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट यू गाइस टू डू दिस प्रॉब्लम, ब्रैकेट का बस ध्यान रखेगा माइनस प्लस पूरा बदल जाता है तो चीजें खराब हो जाती है। सो ये कितना आया 2x माइनस एक्स, एक्स और माइनस माइनस प्लस 5 हो गया ऊपर, ठीक है नीचे क्या है x माइनस 5 इस 2 का क्या करो, कोई टेंशन नहीं है 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, 2 से मल्टीप्लाई क्या क्या था पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो फिर इनइक्वालिटी नहीं बन रही है, सो ये हट गया तो बेसिकली क्या बच गया ये x प्लस 5 x माइनस 5 इसका 0 माइनस 5 इसका 0 प्लस 5, तो ये आपका वेरी कर्व 5 और माइनस 5 का क्या करना है इक्वल टू नहीं है तो आंसर में नहीं आएंगे, अगर इक्वल टू होता भी तो कौन सा पॉइंट नहीं आता डिनोमिनेटर वाला, यानी कि 5 आपका आंसर में कभी भी नहीं आता
यहाँ पे इक्वल टू होता भी तब भी नहीं आता, इक्वल टू होता तो माइनस फाइव आ जाता बट फाइव फिर भी नहीं आता, ठीक है। सो आप आंसर चेक करो, ये हमें क्या चाहिए अगेन, मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कहाँ है, यहां और यहां, यहां का मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से यहां और फाइव से इन्फिनिटी, तो ये आंसर को भी रिप्रेजेंट करते जाना साथ साथ में, इसको भी सीखते जाना है साथ साथ में, यूनियन फाइव से इन्फिनिटी। ओके सॉरी, आई होप कि आपने अच्छे से फॉलो कर रहे हो, बस बी केयरफुल और कोई टेंशन नहीं है, और छोटी छोटी जो चीजें हैं यू नो लाइक वेरी बेसिक एलिमेंट्स और कभी कभी कुछ बड़ी चीजें, सारी इंपॉर्टेंट है। तुम पबजी खेलते हो क्या करते हो, हर एक चीज उठा लेते हो, मेडिक उठाते हो, एमओ तुम्हारे पास जितना मर्जी भरा हो, क्या तुमने कोई गोलियां पड़ी देखी, छोड़ी है नहीं छोड़ी ना, उठा लेते हो ना, तो वही करना हमें, हर चीज हर वो बर्तन भी उठा के मैं पीछे टांग लेता हूं, है ना। आई होप कि मैं तो नहीं खेलता हूं बट मैंने देखा है खेलते हुए, यू नो मैं नहीं खेलता हूं, मैं फिर बोल रहा हूं मैं पबजी बिल्कुल नहीं खेलता, आपको भी नहीं खेलनी चाहिए, पर अगर खेलते हो तो बात कर रहा हूं। तो हमें हर छोटी से छोटी चीज को अपने साथ कैरी करके चलना है, कब क्या काम आ जाए पता नहीं है, और कुछ चीजें तो बहुत बड़ी बड़ी है काम आने वाली, जैसे कि वो पॉइंट बताया था हमने, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव तो वाई हमेशा पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो डी नेगेटिव तो दोनों नेगेटिव तो वाई हमेशा नेगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसको तो पक्का लेके चलना है, ठीक है। अब कंपेयर कर लेना पबजी में ऐसी कौन सी आइटम है, और डेफिनेटली नाइफ, गन के साथ साथ मैं एक नाइफ हमेशा कैरी करता हूं, वो तुम्हारी वो नाइफ ही है, ठीक है। चलो गेम की बात नहीं कर रही हम, पढ़ने वाले बच्चे हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं। हमारे पास यहां पे है x माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन लेस देन माइनस हाफ, क्या करूं इसको उधर लेके जाऊं, ऑब्वियसली वही करते हैं इन जनरल, बट उससे पहले चेक कर लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड है कि नहीं है, और उसके लिए हमें क्या देखना है कि जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या वो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव तो नहीं है, बस वही देखना है। अब देखो ध्यान से, और तुम्हें भी नजर आ रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस वन हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, ये डिनोमिनेटर में रखा टू ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, तो कर दो ना इनसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करूंगा टू को लेके आऊंगा इसको लेके जाऊंगा, दोनों पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इनइक्वालिटी को भी चेंज नहीं करूंगा, बस यही काम करना ध्यान से। तो ये कितना आ गया, टू इधर आ गया x माइनस टू, और ये देखो ये वन माइनस को नहीं मैं छेड़ रहा, माइनस वही तो वही है, इसको मैं कहीं नहीं लेके गया, अगर माइनस को हेरा फेरी करता तो इनइक्वालिटी बदलनी पड़ जाती, सो माइनस वन यहीं पर है और इधर क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये आप जल्दी से, ये आपका बन गया टू एक्स माइनस फोर लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको इधर लेके आता हूं तो मेरे को मिलता है ये इधर आके प्लस का आ जाएगा, प्लस का टू एक्स, ये माइनस फोर माइनस वन माइनस थ्री बच गया लेस देन जीरो, जल्दी से फैक्टर बनाओ बेटा, अब ये भी ना आपकी जल्दी से होनी चाहिए फैक्टर बनने, क्लियर। सो फाइनली आई हैव दिस थिंग, मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स है एक तो माइनस थ्री एक वन, और ये हमने सीख ही लिया कि प्लस माइनस प्लस वन और माइनस थ्री का क्या करना है, इक्वल टू तो है नहीं, तो ये तो आंसर में नहीं है, ऊपर से पूछा क्या क्या नेगेटिव, नेगेटिव कहां मिल रहा है, यहां बीच में, बीच में यानी कि एक्स आपका कहां माइनस थ्री से वन में, ठीक। सो दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर टेंथ है, एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, डेफिनेटली देख ही रहे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर इसको इधर लेके आना पड़ेगा, जो भी करना है आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं खुद से, ठीक कर लेना, इतना एक लास्ट क्वेश्चन है, हम अभी तक इस कंसेप्ट में सारी चीजें बेसिक कवर कर चुके हैं, बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है यू नो कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन नया आ ही जाता है, नहीं तो हम जबरदस्ती ले ही आते हैं, ठीक है, हमारे टीचर्स का ही काम है, सो वही हम काम करें, आपके साथ एक शेयर करेंगे डीपीपी असाइनमेंट, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, बेसिक क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे बहुत सारे, आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्यों करते हैं यार, हमें निशाना अच्छा क्यों चाहिए,
और आप खुद सोचो कि क्या निशाना अच्छा हो जाता है बिना मतलब प्रैक्टिस के, नहीं होता ना। तो मैथ्स भी तो वही है, तो वही है हमें मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा खेलते जाएंगे, उतना ही अच्छा ये जो पर्सनल चीजें हैं ये नंबर्स हमारे पर्सनल टूल्स पर्सनल कह लो फ्रेंड्स बनते जाएंगे जो हमारे लिए हमेशा खड़े होंगे। जब भी तुम्हें जिस चीज की भी आवाज लगी ठीक है तो वही काम करना है, डू प्रैक्टिस 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 ठीक है। और कुछ नए क्वेश्चंस डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला मैं डालूंगा आपके असाइनमेंट में डीपीपी में, वो आप करो अटेम्प्ट करो, उसके बाद मैं आपको उनके सॉल्यूशन दूंगा। और वो आपने डाउट पूछना है इस वीडियो के अंडर कमेंट सेक्शन में ठीक है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप वही कमेंट्स में डाउट को लिखो बताओ, और अगर आपके पास अपना कोई डाउट है तो वो भी वहीं पे बात करो ठीक है। चलो फाइनल करते हैं, इनइक्वालिटीज हमने ऑलमोस्ट क्या खत्म कर लिया, बस आपके डाउट्स बचे हैं। इसके आगे हम एक नया फंक्शन आपको इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज मॉडुलस फंक्शन, फिर मॉडुलस फंक्शन पे कुछ उसको बेसिक से समझेंगे, देन फिर मॉडुलस पे भी कुछ इनइक्वालिटीज आती है ठीक है, फिर उनको भी डील करना और वो इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज से रिलेट होंगी, मतलब इसका तो यूज वहां पे होने ही वाला, ये बेसिक है, ये जो एलिमेंट्स है ये अब जगह बार बार आपके यूज होने ही वाले। ऑलराइट सो लेट्स मीट आफ्टर ए व्हाइल, और तब तक के लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ते रहो मेहनत करते रहो और इस चैनल को फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करो लाइक करो और शेयर भी करो। थैंक यू गाइस, सी यू।